हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस जबरदस्त धांसू से बोर्ड की। ये है डीसी, हमारा बोर्ड जो ट्रैक्टर एम्पलीफायर में यूज होता है। इस बोर्ड की हम अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ इसका हम साउंड टेस्ट भी आज देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और अनबॉक्स करते हैं इस बॉक्स को हम। तो अनबॉक्स करता हूँ मैं इस तरह से, कुछ आप देख सकते हैं। मैं इसे अनबॉक्स यहाँ से कर लेता हूँ। अनबॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये बॉक्स हो चुका है हमारा अनबॉक्स और आप देख सकते हैं ये है हमारा जबरदस्त धांसू सा बढ़िया सा बोर्ड। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा बोर्ड डेक्सा की तरफ से HV77। 15600 वाट इसका मॉडल नंबर है। आप कृपया जो भी इसके ऊपर से लिखा होता है 1200 वाट 1000 वाट, आप मुझे कमेंट करते हैं कि सर ये इतने वाट का नहीं है। तो हाँ जी, मैं मुझे पता है ये इतने वाट का नहीं होता है। एक्चुअल में ये इनके मॉडल नंबर के हिसाब से होता है, ये इनका मॉडल नंबर होता है और ये इनकी पीक पावर होती है। जब इनिशियल स्टेज में हम इनको स्टार्ट करते हैं, वो जो इनकी पीक पावर होती है ना, वो इनकी होती है वो कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए होती है। तो वो इसकी पीक पावर होती है, जो ये मैक्सिमम पावर जो इसकी लिखी होती है ना पीक पावर, वो होती है ये 15600 जो कुछ ही सेकंड्स के लिए होती है। तो ठीक है, तो ये है हमारा बोर्ड। इससे पहले भी मैं इस बोर्ड की अनबॉक्सिंग वगैरह दिखा चुका हूँ मैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे, बट ये बोर्ड मेरे पास दोबारा से आया हुआ है और ये बोर्ड हमारा सेल हो चुका है। एक्चुअल में ये जा रहा है हमारा बोर्ड। तो ठीक है, उससे पहले मैं आपको इसकी साउंड टेस्टिंग, मुझे यूट्यूब पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर इसकी साउंड टेस्टिंग वगैरह करके बताइए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी साउंड टेस्टिंग मैं आपको करके दिखा दूँ एक बार। साउंड टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा इसके जो भी, ये देखिए इसके साथ में जो बीटी बोर्ड आता है वो ये है। इसका बीटी बोर्ड बहुत ही फाइन क्वालिटी में इसके जो भी कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं वो इसमें लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें इसके टोन कंट्रोल भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में हमारा ये बोर्ड जो है रेडी है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके USB को चलाने के लिए यहाँ पर 7805 भी दी गई है, जिससे आप 5 बोर्ड लेके अपने ब्लूटूथ कार्ड को चला सकते हैं। और ये है हमारा ऑडियो इनपुट और ये है हमारा ऑडियो आउटपुट जो हमारा इस बोर्ड के अंदर गया हुआ है, ठीक है। ये वायर जो आप देख रहे हैं इस बोर्ड को रन करने के लिए, इसमें 15015 की सप्लाई दी गई है, सॉरी 12012 की, 12012 की सप्लाई दी गई है। तो वो ये है, ये है प्लस माइनस और ये है ग्राउंड। ये है हमारा ग्राउंड, ये हमारे प्लस माइनस 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये है हमारा बीटी बोर्ड जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। 4 ट्रांजिस्टर में ये बीटी बोर्ड है हमारा, 4 ट्रांजिस्टर वाला, बहुत ही जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है। इससे पहले भी मैं कई एम्पलीफायर में यूज़ कर चुका हूँ इस बोर्ड को। साथ ही साथ मैं इसको आपको दिखाऊँ इस बोर्ड के अंदर, ये है हमारा पावर सप्लाई सेक्शन, ये है हमारा DC पावर सप्लाई सेक्शन, ठीक है। ये हमारा 12 वोल्ट से 30030 तक कन्वर्ट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे 6 MOSFET यूज़ किए गए हैं हमारी पावर सप्लाई को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये पावर सप्लाई को कन्वर्ट करते हैं हमारी 12 से 30030 के लिए, प्लस यहाँ पे इंडक्टर कॉइल लगाई गई है जो हमारी पावर सप्लाई को बूस्ट करती है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं है, ये हमारे 2 पिन के डायोड आते हैं, ये वो डायोड हैं। आप यहाँ पे नॉर्मल डायोड भी देखे होंगे लगे हुए, बट ये उनसे फाइन क्वालिटी के डायोड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायोड दिए गए हैं, साथ में इनको कम हीट हो इनमें हीट सिंक भी यूज़ की गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हीट सिंक यूज़ की गई है डायोड के साथ में। हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड लगाते हैं, उसी तरह के ये 4 डायोड हैं, 1 2 3 4, और ये काफ़ी हैवी डायोड होते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करते हैं और इनको हीट कम हो इसकी वजह से यहाँ पे हीट सिंक भी लगाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 पावर सप्लाई को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं। ये कैपेसिटर मैं आपको बता दूँ 1800 UF 80 वोल्ट के कैपेसिटर हैं, 1800 वोल्ट 80 वोल्ट के कैपेसिटर हम यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारा पावर जो हमारा ड्राइवर सेक्शन है हमारे बोर्ड का, ये हमारा ड्राइवर सेक्शन है, काफ़ी अच्छी तरह से इसको बिल्ड किया गया है और काफ़ी आप देख सकते हैं इसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं बहुत ही फाइन क्वालिटी के कंपोनेंट, ओरिजिनल कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं। डेक्सा के बोर्ड ऑलवेज बेटर होते हैं, आपको पता ही होगा DC ट्रैक्टर के अंदर वगैरह, मतलब DC बोर्ड जहाँ भी मिले आपको, बस ट्रैक्टर कार, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे 12 वोल्ट DC का सप्लाई हो। तो इसको बोर्ड को यूज़ करने के लिए हमें 12 वोल्ट ही चाहिए होता है। तो ये यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए सेक्शन इसका बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया है, ड्राइवर सेक्शन दोनों साइड में, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हीट सिंक दी गई है, देखिए कितनी हैवी हीट सिंक दी गई है यहाँ पे। फिन, इसके फिन्स जो है, देखिए दोनों तरफ फिन्स हैं इसके,
जो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांजिस्टर को जो है हमारे मॉसफेट को बहुत जल्दी कूल भी करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो TTC 5200 TTC 1943 यूज़ किए गए हैं, ये देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको नज़र आया है, ठीक है। तो ये है कुछ रिव्यू इस बोर्ड के बारे में, साथ ही साथ मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ एक बार। बैक साइड से आप देख सकते हैं ये है हमारा कुछ बोर्ड, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए प्लस माइनस मैंने 12 वोल्ट बताया था आपको जो हमारे ब्लूटूथ कार्ड के लिए गया है, तो ये रहा प्लस माइनस का 12 वोल्ट और ये है हमारा ग्राउंड, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारा जो है ऑडियो इनपुट यहाँ पे दिया गया है, और साथ ही साथ ये देखिए हमारा प्लस माइनस एंड ग्राउंड, ये हमारा स्पीकर का है, ये देख सकते हैं आप, स्पीकर प्लस, स्पीकर माइनस और ये हमारा ग्राउंड, तो सॉरी ये प्लस माइनस जो है आप यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए दिया गया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। हमारा जो स्पीकर के आउटपुट हैं वो ये है हमारे स्पीकर का प्लस और ये हमारा ग्राउंड, आप यहाँ लगा दो ग्राउंड, आप पूरे बोर्ड में कहीं भी लगा दो, एक ही ग्राउंड पूरे बोर्ड में हमारा फैला हुआ है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं ये है हमारा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है हमारा स्पीकर का प्लस, ये है हमारा स्पीकर का प्लस और ग्राउंड आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, मतलब पूरे बोर्ड में आप कहीं भी ग्राउंड दे सकते हैं, पूरे बोर्ड में ग्राउंड एक ही जगह से फैला हुआ है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 12 वोल्ट के लिए बैटरी प्लस, बैटरी बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस, और यहाँ पे देखिए फ़ैन लिखा हुआ है माइनस एंड प्लस बैटरी के लिए, तो यहाँ पे आप अपना अगर इसके अंदर फ़ैन यूज़ करते हैं आप कैबिनेट के अंदर, तो आपको फ़ैन के लिए अलग से पावर सप्लाई बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए ये फ़ैन के माइनस और ये फ़ैन का प्लस, तो ये प्लस माइनस और यहाँ पे देखिए फ़ैन मेंशन किया गया है साफ साफ, तो आप यहाँ पे फ़ैन अपना यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके साउंड टेस्टिंग की, तो चलिए इसमें कुछ देखिए, आप स्पीकर के वायर वगैरह कनेक्ट नहीं है तो मैं इसके वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, और अपने पावर सप्लाई के वायर भी कनेक्ट नहीं है तो मैं वो वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें ब्लूटूथ भी नहीं लगा हुआ है, ब्लूटूथ ऑडियो हमारा जो होता है मॉड्यूल वो भी नहीं लगा हुआ है, तो वो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं एक बार आपको इसकी साउंड टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो ये था रिव्यू इस बोर्ड के बारे में, अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो पे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आप मेरी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग, मैं इसके कनेक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारा सेटअप रेडी कर लिया है यहाँ पे, और मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है स्पीकर के वायर, ये देख सकते हैं आप स्पीकर के वायर हैं, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं, ये देखिए मैंने डायरेक्ट सोल्ड कर दिए हैं यहाँ पे स्पीकर के वायर, और ये हैं हमारे बैटरी के वायर, बैटरी नहीं है तो मैंने यहाँ पे अपनी पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट की, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन वाला जो है वो प्लस में है और हमारा ब्लैक वाला जो है वो माइनस में है, ठीक है। तो ये हमारे कनेक्शन थे जो हो चुके हैं, और ये देखिए हमारे जो ब्लैक एंड ग्रीन जो है वो हमारी पावर सप्लाई के अंदर जा चुके हैं, ये देखिए प्लस और ये माइनस में, और ये हमारा 220 वोल्ट एसी में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सारा सेटअप रेडी है, और ये ब्लूटूथ मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, ये देखिए ब्लूटूथ भी लगा दिया है इसमें। अब बारी है इसकी साउंड टेस्टिंग की, तो चलिए मैं इसको 220 वोल्ट एसी में कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो ये मैं प्लग इसका 220 वोल्ट एसी में लगाता हूँ, ये देखिए हमारी पावर आ चुकी है इसके अंदर, और हमारी पावर सप्लाई जो है वो चल चुकी है, ठीक है। तो अब बारी आती है, देखिए हमारे ब्लूटूथ में भी लाइट आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं बीटी मोड पे है, ब्लूटूथ मोड पे है। तो चलिए अब इसको हम कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से। तो सबसे पहले मैं, ये देखिए ये मेरा फ़ोन है, मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लूटूथ मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। और ये देखिए BT226 हमारा, ये देखिए पेयर हो चुका है, और ये हमारा कनेक्ट, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए प्ले करते हैं इसमें कुछ हम NCS सॉन्ग। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे NCS का सॉन्ग प्ले कर दिया है, और हमारे ब्लूटूथ कार्ड में देखिए लाइट, हमारी जो इक्वलाइजर था वो चलना शुरू हो चुका है। इसमें आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसका वॉल्यूम जो है बिल्कुल डाउन किया हुआ है। तो चलिए मैं इसका धीरे धीरे करके वॉल्यूम अप करता हूँ। देख सकते हैं इसकी एक एक बीट पे जो पंच आ रहा है, उस पंच पे आप ध्यान दीजिएगा, और इसको हेडफोन लगा के जरूर सुनिएगा, तभी आप इसका जो बेस पंच है वो फील कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इसका जो बीट आ रही है, एक एक पंच जो निकल रहा है इससे, जो स्पीकर पे हमारे पंच पड़ रहा है वो आप देखिए कितना जबरदस्त पंच आ रहा है इसके अंदर,
और अभी मैंने इसमें कोई बेस ट्रेबल बिल्कुल भी ऑन नहीं किया हुआ है, बेस ट्रेबल हमारा ऑफ है। तो अभी मैंने खाली वॉल्यूम अप किया है, वॉल्यूम भी हमारा 50% ही अप होगा, ज़्यादा अप भी नहीं है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए मैं प्ले करता हूँ दोबारा से। मैं धीरे धीरे करके इसका बेस और ट्रेबल अप करूंगा। ये ट्रेबल है हमारा और ये बेस है, तो धीरे धीरे करके मैं इसका बेस और ट्रेबल अप करूंगा, तो आप इसकी आवाज में फर्क देखिएगा। तो ये देखा आपने हमारा एनसीएस का प्ले सॉन्ग प्ले हुआ था, और मैं आपको इसमें अब एनसीएस हिंदी सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ एक बार, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा खुद ब खुद इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो एनसीएस में हिंदी यहाँ पे टाइप करता हूँ, एनसीएस हिंदी सॉन्ग्स। तो ये देखिए हमारे आ चुके हैं एनसीएस हिंदी सॉन्ग्स आ चुके हैं हमारे। ठीक है, तो मैं ये प्ले करके दिखाता हूँ आपको एनसीएस हिंदी का सॉन्ग। आप देख सकते हैं साउंड की क्वालिटी से कितनी ज़बरदस्त आ रही है, और बेस पंच इतना तगड़ा आ रहा है कि देखिए मेरे स्पीकर ये बहुत छोटे हैं इसके लिए, तो ये उसको नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसका जो बेस है वो कम किया हुआ है। बाकी आप इसमें 12 12 इंच के 15 15 इंच के दो स्पीकर बहुत ही आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और ना ही मेरे बोर्ड्स में कभी कोई दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना बेस बढ़िया आ रहा है इसके अंदर। चलिए मैं दोबारा से प्ले कर देता हूँ एक बार। से
आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जबरदस्त पंच आ रहा है इसके अंदर। और ये पंच जो है अब मेरे स्पीकर जो है वो बहुत छोटे हैं इसके लिए, वो नहीं सहन कर पा रहे हैं, इसीलिए मैंने इसका जो बेस है वो बहुत ही कम किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसके बाद भी देख सकते हैं इसका बेस जो है कितना अच्छा पंच दे रहा है हमें, और यही दिखाने के लिए मैंने आपको इसमें हिंदी सॉन्ग्स प्ले किया हुआ है। ठीक है, और ये बोर्ड काफ़ी अच्छे हैं, DC सप्लाई से चलने वाले, तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं अगर लेना चाहें। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके अपने ऑर्डर लिखवा सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पर कमेंट जरूर करें वीडियो किस तरह से लगी आपको। ठीक है, इसमें क्या कमी थी, क्या अच्छा लगा आपको, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरी इस मेहनत को। ठीक है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और हम अगर आप लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आप गाने का आनंद लीजिए, और मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी ऐसी किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शब खैर। Oh, 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 oh